भारतीय संस्कृति और इतिहास में 25 दिसंबर का अपना अलग महत्व है। आज के दिन जहां क्रिसमस की धूम है, ऐसे में इस दिन को तुलसी पूजन दिवस के रूप में भी कई निजी संस्थाएं मनाती है। इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के पहाड़ी मंदिर के समीप, जहां परिसर में तुलसी का पौधा लोगों को भेंट किया जा रहा है और खासकर आज के दिन को तुलसी पूजा दिवस के रूप में भी मनाए जाने की बात कही जा रही है। यहाँ कुछ निजी संस्थाओं के जो लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं कि आज के दिन को तुलसी पूजन दिवस क्यों कहते हैं, क्यों, क्या है इसकी विशेषता। ये परम पूज्य संत श्री आसाराम जी की पावन प्रेरणा से 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस ऐसे मनाने का आह्वान किया गया है। उन्हीं की प्रेरणा से तुलसी पूजन दिवस मनाया जा रहा है 25 तारीख। और ये तुलसी की बहुत भारी महिमा है, हमारे वेद उपनिषद पुराणों में भी कही गई है। जैसे हिंदू धर्म में आता है गौ गंगा गीता, है ना, उसी प्रकार तुलसी की भी बहुत भारी महिमा है। लोग आज के आधुनिक युग में इसे लोग अनजान हो रहे हैं तुलसी के महिमा के बारे में। ये बहुत उत्कृष्ट रसायन है, ये परम औषधि है, ये है ना। इसके सेवन से असाध्य से असाध्य रोग, कैंसर जैसी बीमारियां भी हैं सो ठीक हो रही हैं। इसी को देखते हुए समाज के कल्याण हेतु परम पूज्य संत श्री बदलते वैज्ञानिक परिवेश के बावजूद आज भी लोग वेद की तरफ ध्यान देते हैं, तुलसी की ओर ध्यान होते हैं और इसका अलग महत्व होता है। आप बुजुर्ग हैं, आप क्या मानते हैं इस तुलसी के क्या कुछ फायदे होते हैं और कैसे ये हमें फायदा पहुंचा? तुलसी से 80 प्रकार के जो है ना रोग नष्ट होते हैं तुलसी का सेवन से। ये बहुत वेद पुराण में हम लोग को बहुत पहले से बताया गया है, ब्रह्मवेद पुराण या और जितना भी वेद पुराण है सब में आपको तुलसी की महिमा बताई गई है। तुलसी का सेवन लोग भूलते जा रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता की ओर पाश्चात्य सभ्यता हावी होने के चलते तुलसी का महत्व को ख़त्म किया जा रहा है। आसाराम बापू जी के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए तुलसी का पौधा लोगों को भेंट किया जा रहा है। चूंकि आज 25 दिसंबर का दिन है और इसे तुलसी पूजन दिवस भी मनाते हैं, समिति के लोग हैं, इन लोगों से जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ, कैसे प्रेरणा मिली और कब से ये शुरुआत हुई। ये वर्ष 2014 से परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी ने शुरुआत की और 2014 से लेके अभी तक हम लोग 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाते आ रहे हैं। ये सिर्फ भारत में नहीं, लगभग 200 देशों में ये तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। और भारत के अन्य जैसे युवा, हम लोग युवा सेवा संघ से हैं, हम लोग रांची युवा सेवा संघ हैं, तो युवा सेवा संघ के भाई लोग और विवेकानंद समिति, अलग अलग समितियों द्वारा ये सेवा कार्य 25 दिसंबर को किया जाता है। बल्कि तो पूरे देश में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी तुलसी का एक महत्व है और तुलसी दिवस के रूप में लोग आज मना रहे हैं। 200 से ज़्यादा देशों में इस तरह के तुलसी दिवस के रूप में लोग मनाते हैं और आज रांची में कुछ इसी तरह का कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।